एवरीवन, वेलकम टू एसएस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। मैं हूं सोनिया सिंह। आज हम वेस्ट मटेरियल के साथ एक पेंटिंग बनाने वाले हैं। जब कोई नया घर बनाता है या फिर घर में कुछ काम कराते हैं तो कुछ लकड़ी का सामान या वैसा कुछ बच जाता है, कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी, उस टाइम क्या करते हैं कि उस सामान को उठा के रख तो लेते हैं लेकिन उसका बाद में कोई यूज नहीं करते। जो दिवाली आती है उठाया और बाहर फेंक दिया, कुछ भी यूज नहीं करते, सिर्फ उस टाइम रखना होता है कि हाँ हमें इसका कुछ करना है। लेकिन मैं उसका यूज आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। आप पेंटिंग भी बना सकते हैं, आपका कुछ और आइडिया है, आपको देख के सिर्फ एक आइडिया की जरूरत होती है कि आप उस चीज से क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए छोटी सी पेंटिंग बना रही हूँ। ये देखिए टेक्सचर पेंटिंग, ये देखिए आप भी इस तरह से, ये मैंने छोटा साइज बनाया है, ये 10x12 इंच का साइज है। आप इससे बड़ा साइज बना सकते हैं, आइडिया मिलना चाहिए, उसके बाद आप लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको बनाने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो एक काम और करें, बेल आइकन का बटन जरूर ही दबा लें। उससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो उसके आपकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे उसके लिए आपको बटन दबाना जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी सारी वीडियोज देखें कि मैं क्या क्या सिखाती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। मैं हूं सोनिया सिंह। आज हम एक टेक्सचर पेंटिंग बनाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले होममेड कैनवास रेडी करेंगे। उसके लिए हमें एक फ्लैट ब्रश चाहिए MR फेविकॉल, और ये 6mm का मैंने प्लाई बोर्ड लिया है, और ये सिंपल जो सूटों में जो अस्तर लगाया जाता है वो कपड़ा है। मैंने इसको पहले धो लिया है, जो इसको सिंक होना था सिंक हो चुका, और उसके बाद इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इसको इस बोर्ड के ऊपर चढ़ाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगाई जो खिड़की और दरवाजों के ऊपर लगाई जाती है, आप इसकी जगह आप चार्ट पेपर भी लगा सकते हैं। जो मार्केट का कैनवास आता है उसके पीछे चार्ट पेपर ही लगाते हैं, तो सिंपल चार्ट पेपर लगाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके ऊपर
हम एक पेस्ट लगाने वाले हैं, वो पेस्ट हम लगाएंगे एमआर फेविकोल का, और ये होता है सुपर ग्राउट। ये जो घर में टाइल्स लगाई जाती है, जो फ्लोर पर टाइल्स लगाई जाती हैं, उनके बीच में फिल किया जाता है। हमारे यहाँ ये पैकेट बचे हुए हैं, जो घर में टाइल लगी थी उसमें से पैकेट बच गए थे, तो ये पीस काफी सारे बचे हुए हैं। ये दो कलर्स में आता है, एक व्हाइट आता है एक ब्राउन आता है, ये व्हाइट वाला है। तो इसको मैं फेविकोल में मिक्स कर रही हूं। ये मैंने इस तरह का पेस्ट तैयार किया है, इसको मैं इस बोर्ड के ऊपर अप्लाई करूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है, सिंपल सी बात है ये सबके पास नहीं होता है, तो आप जो बेबी पाउडर होता है वो पाउडर फेविकोल में मिक्स करके वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हम एक नाइफ लेंगे, ये पेस्ट को इस बोर्ड के ऊपर बहुत ही पतली पतली लेयर लगानी है, ज्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी, सिर्फ इतना कि ये जो इसके पोज हैं ये फिल हो जाए। अगर आपके पास नाइफ नहीं है तो सिंपल आपके पास इसके लोगो बच्चों के पास, तो आप उसके साथ भी ये कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे बोर्ड के ऊपर बहुत ही पतला पतला, बिल्कुल भी मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए। ये जो पीस रेडी हुआ है, मैंने इसको स्मूथ नहीं किया है, अगर आपको स्मूथ पेंटिंग है तब हमको स्मूथ करना है, लेकिन मुझे इसके ऊपर थोड़ा और टेक्सचर देना है अभी, तो मैंने इसको थोड़ा सा रफ ही रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये ब्लैक और व्हाइट कलर सूख चुका है, अब मैंने फिर से पीस तैयार किया है फेविकोल का और इसका। तो अब एक नाइफ लेना है, इस नाइफ के साथ इतने से जो नीचे नीचे का पोर्शन है मैं इसमें टेक्सचर दूंगी, वो इक्वल नहीं होना चाहिए, वो लगना चाहिए कि टेक्सचर है। इस तरह से करते जाएंगे, और इसको आप बड़ी पेंटिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रैक बिल्कुल नहीं आते हैं। इसके पैक पे भी लिखा हुआ है नॉन क्रैकल, आप इससे कुछ भी काम करोगे, किसी भी पेंटिंग में इसका टेक्सचर दोगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। फेविकोल मिक्स कीजिए और किसी भी पेंटिंग में अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। मैंने ट्राई करके देखा तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, तो तभी मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो इसमें कहीं कहीं इस तरह से, अब मैंने छोटा नाइफ लिया है, अब इसके साथ देखिए मैं नाइफ को किस तरह से रख रही हूं और सिर्फ साइड से इस तरह से चला रही हूं कि वो थोड़ा सा लगे कि मैंने इस तरह से किया है।
अभी हमारा जो हमने कलर किया था ट्री का, वो हमारा सूखकर रेडी हो चुका है। अब हम फिर से पेस्ट तैयार कर रहे हैं। मैंने फिर से थिक वाला पेस्ट ही तैयार किया है, फेविकोल और ग्राउट का, दोनों को लिया और इसके अंदर मुझे जो भी कलर चाहिए, मैंने मैरून कलर डाला लेकिन अभी थोड़ा टाइट है थोड़ा सा, अभी इसको और भी डार्क करना है, लाइट नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी, ये मैं डार्क कर रही हूँ। जो भी कलर आपको चाहिए वही कलर आप ले सकते हैं, और जो कलर आप एक बार बना रहे हैं, ये नहीं कि हमें दो तीन कलर करने हैं तो हम एक ही बार बना के रख लें, ये 15 से 20 मिनट के बाद हल्का हल्का सूखना शुरू, हल्की हल्की गांठे पड़ने लगती है, तो जितनी आपकी एक बार में रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही लें। तो ये मेरा मनपसंद कलर तैयार हो गया है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले कोई पेपर या कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट पेंटिंग के ऊपर ना करें, किसी चीज पे पहले प्रैक्टिस कर लो कि आप कैसे सही इसको टच कर सकते हो। अगर आपके पास नाइफ है तो आप क्या करोगे, नाइफ पे इस तरह से लोगे, तो आप नाइफ पे इस तरह से कलर को लोगे और जहां भी आपको अप्लाई करना है इस तरह से, ऐसे डायरेक्ट ऐसे रख के ऐसे भी खींच सकते हैं, जैसे भी आपको आरामदायक लगे उस तरह से। तो ये तो हो गया इस तरह से नाइफ का। अगर आपके पास नाइफ नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी स्पून ले लो, देखा किस तरह के स्पून, इस तरह की कोई स्पून ले लेंगे, उससे लेंगे और ये देखो ऐसे आप फ्लावर भी बना सकते हैं, जो भी आप चाहो जिस तरह का भी चाहो वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो स्पून से हो जाएगा इस तरह का। अगर आप स्पून से भी करना नहीं चाहते हैं तो आप फिंगर से कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से लेंगे ये, तो जो आपको आरामदायक लगे उस तरह से कर लेंगे। अब करते हैं पेंटिंग के ऊपर। Thank you.
सभी के पास ही होते हैं, तो आप भी इस तरह की पेंटिंग बना सकते हैं। प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।